गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का सास बहू कुकिंग में स्वागत है। आज मैं अपने किचन में एक पारंपरिक सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसे हम लोग मूली भुजिया कहते हैं। आइए अब हम मूली भुजिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने दो मूली ली थी बड़े साइज की, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया। सिर्फ मूली नहीं, उसके पत्तों को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए मूली के पत्ते, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन्हें मैं उबालूंगी। सबसे पहले कुकर में मैं मूली के पत्ते डाल दूंगी। और मूली देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने मूली और मूली के पत्ते डाल दिए हैं। और आधी कटोरी पानी डालकर इसमें मैं एक से दो सीटी ले लूंगी, तेज आंच पे लूंगी मैं सीटी। फ्रेंड्स देखिए, मेरे मूली और मूली के पत्ते उबल चुके हैं। मैंने दो सीटी ली थी तेज आंच पे। और देखिए फिर इसे मैंने चलनी में डाल के अच्छे से हाथों से निचोड़कर इसे बाउल में रख लिया है। अब मैं इसके फ्राई की तैयारी शुरू करती हूँ। मैंने तेज आंच पे अपनी कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी एक चम्मच। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं हींग डाल दूंगी एक चुटकी। मैंने अजवाइन डाल दी है 1/3 स्पून, और साथ में अदरक मिर्च एक छोटा अदरक और लंबी मिर्च मैंने काट के डाल दी है। और इसे मैं फ्राई कर लूंगी। तेल मेरा अच्छा गर्म है। अब इसमें मैं 1/3 स्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1/3 स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें एक छोटी प्याज जो मैंने काट ली है बारीक बारीक डाल दूंगी और फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्याज भुन चुकी है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी 1/3 स्पून, इसके साथ नमक डाल दूंगी इसमें मैं 1/3 स्पून। और सभी मसालों को मिक्स करते हुए अब इसमें मैं मूली डाल दूंगी जो मैंने उबालकर अच्छे से निचोड़ ली है। इन सब चीजों को डालकर अब मैं अच्छे से इनको मसाले के साथ मिक्स कर लूंगी और मीडियम आंच पे फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मुझे अपनी सब्जी तेज आंच पे चलाते हुए फ्राई करने में 1 मिनट लगा है। और देख सकते हैं मेरी सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं गरम मसाला 1/3 स्पून और साथ ही साथ खटाई 1/3 स्पून डाल दूंगी और इसे सभी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हमारी सब्जी बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बनके तैयार है। गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसे बाउल में निकाल लिया था। गरम मसाला डालने के बाद मुश्किल से मैंने 15 से 30 सेकंड इसे फ्राई किया था ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, इसका लुक कितना अच्छा आया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।